जो कांग्रेस जो पिछले 5 साल राज करी और बड़े बड़े वादा 36 वादा करके एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं करी, बल्कि तो ये सारा मोदी के गारंटी के काम ये 3 महीना में साय हुई से कि नहीं साय हुई से ना। और बाकी काम ओला भी हमारे साय कर 1 लाख रुपया के फार्म भरा थे हमार माता बहनी बन के, विश्वास है 1 लाख रुपया नहीं, हम तो मातानी बंधन योजना में 2 महीना के भेज चुके हैं ना 1,000 रुपया। और मैं हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ला कहे हूँ, अब मैं सादर आग्रह करता हूँ जिनकी प्रतीक्षा आप सब कर रहे हैं ऐसे इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानी विष्णुदेव साय जी से कि आज हम सबको संबोधित करें। धूप बहुत है फिर भी मैं आग्रह करूँ कि पहले जोर के जयकारा हो जाए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, माँ महामाया की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, चिंतामणि महाराज जिंदाबाद, चिंतामणि महाराज जिंदाबाद, एक बार फिर अब की बार आज माँ महामाया के पावन धरती में अंबिकापुर में हमर सरगुजा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज के आज के विशाल नामांकन रैली में हमर बीच में मंच में विराजमान हमर छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और जबन के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय हमर पार्टी ला मिलिस, सरगुजा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ हुई और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी, ऐसे श्री अरुण साहु जी हमर इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी, सरगुजा के सपूत हमर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी, प्रबोध मीन जी, राजेश अग्रवाल जी विधायक, रामकुमार टोपो जी विधायक, भूलन सिंह मरावी जी विधायक, शकुंतला सिंह पोरते जी विधायक, श्रीमती उद्धेश्वरी पैंकरा जी विधायक, हमर पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री राम प्रताप सिंह जी, हमर बिलासपुर क्लस्टर के प्रभारी पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, श्री राजा पांडे जी, कलेक्टर के सह प्रभारी श्री रामसेवक पैंकरा जी, पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी, अखिलेश सोनी जी, ज्योतिनंद दुबे जी, लखनलाल साहू जी, श्रीमती चंपा देवी पावले जी, श्री ललन प्रताप सिंह जी, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी, श्री ओम प्रकाश जायसवाल जी, भीमसेन अग्रवाल जी, विजयनाथ सिंह जी, राम कृपाल साहू जी और बीच में मंच में विराजमान हमर सबो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, महिला नेत्रीगण और आज के नामांकन रैली में सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सभी हमर देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और मीडिया के
मित्रगण, मैं सबकर ले पहले सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी वाला नमन करत हूं जो पिछले विधानसभा के चुनाव में सरगुजा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दिन 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जीता के ऐतिहासिक काम कर दिन ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी वाला मोर जोहार नमन। बंधुओं, हमला जहांगीर भी जाना है, इसीलिए आपन से जल्दी विदा लेना चाहत हम। और मैं तो यही आपन से कहे बर आए हूं कि ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत है ना? सब सहमत है तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मान के उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते और 10 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम कारण अपन देखे हा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग के चिंता करे के काम हमारे प्रधानमंत्री जी करी ने। पूरे दुनिया में हमारे देश के डंकाबाजी से 140 करोड़ भारतवासी मन के सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी। आज ये चुनाव 2047 तक हमारे भारत देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है और आने वाला 5 साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरगुजा संसदीय क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज जिला अपन प्रत्याशी बनाई से, तो आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। श्री चिंतामणि महाराज जी प्रचंड मत से सांसद बन के दिल्ली जाए, भारत के संसद में जाए और हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही आग्रह करे बर मैं आए हूँ। और ये जो कांग्रेस जो पिछले 5 साल राज करी और बड़े बड़े वादा 36 वादा करके एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं करी, बल्कि छत्तीसगढ़ ला भ्रष्टाचार के गढ़ बना दीस, अपराध के गढ़ बना दीस, हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीमेट के राशि में भ्रष्टाचार और तो और नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी के गोबर तक ये कांग्रेसिया मन खा गए। आज कई ठन नेता मन और ये वाला सहयोग करने वाला अधिकारी आज 6-6 महीना साल साल भर से जेल के अंदर में है, उनके बेल बार बार खारिज हो थे। तो ऐसा ये कांग्रेसिया वाला सबक सिखाना है, सबक सिखाना है कि नहीं? जैसे सरगुजा संभाग में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ हुई, वैसे छत्तीसगढ़ में अभी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ करना है, करना है कि नहीं? एक भी सीट मल्ला लेने देना नहीं है, पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जीता के देना है। और अभी 100 दिन से कुछ ज्यादा होते सरकार के, आपन के सरकार के, और ये 100 दिन में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार, आपन के सरकार मोदी की गारंटी में जो वादा करे रहे, बहुत वादा ला पूरा करे के प्रयास करे हन। जब 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति, 2 साल के बकाया बोनस, 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया धान की कीमत दे है हन, और अंदर की राशि 24,72,000 किसान मन के
13,320 करोड़ रुपया वो भी देने के काम करे हम। रामलला दर्शन योजना शुरू होगी से तेंदू पत्ता के खरीदी 5,500 प्रति मानक बोरा ओकर भी सरकार आदर कर चुकी से। तो ये सारा मोदी के गारंटी के काम ये 3 महीना में साय हुई से कि नहीं, साय हुई से ना। और बाकी काम ओला भी हमारे साय कर दो चुनाव के बाद में। और मैं 2-3 बात आप हमें बताते हुए कि आज ये कांग्रेस मुद्दा विहीन होगी से मंठन कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भरमाई के काम करते हैं। एक तो कहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में तो सरकार बनी थी से हमार दिल्ली में भी सरकार बनी तो आरक्षण खत्म हो जाएगी, है ना, ऐसा फरमात है। तो मैं आप हमें बताता हूँ कि आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, अभी 2-4 दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री भी आए रही खैरागढ़ में हमारे सभा होली से, और मैं फिर वो बात ला दोहरा चुकी है, चाहे एसटी हो चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, केकरो आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। और अभी 1 लाख रुपया के फार्म भरा थे हमार माता बहनी बन के, विश्वास है 1 लाख रुपया नहीं। हम तो मातानी बंधन योजना में 2 महीना के भेज चुके हैं ना 1,000 रुपया। और मैं हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ला कहे हूँ कि हर महीना पहले सप्ताह में ही हमारे माता बहनी मन के खाता में 1,000 रुपया आना चाहिए, 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होना चाहिए, पहले सप्ताह में ही आना चाहिए। और ये बात के भी भ्रम फैलाते हैं कि ये चुनाव तक ये महतारी बंधन योजना है, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो मैं आप हमें बताता हूँ कि जब तक हमें सरकार में ही तब तक के महतारी बंधन योजना समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे माता बहनी मन के खाता में हर महीना महतारी बंधन के 1,000 रुपया ही। तो ये सब सारा चीज ला जाना था। और अभी हमारे प्रधानमंत्री फिर से संकल्प पत्र जारी करी से मोदी की गारंटी 2024, और में और बड़े बड़े काम होना है, 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास बनना है, जैसे घर घर बिजली पहुंची, इस घर घर नल के द्वारा पानी पहुंचा थे उसने घर घर रसोई के गैस भी पाइप के द्वारा पहुंचाए के हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प है। तो ये सारा बहुत और अच्छा अच्छा काम आने वाला 5 साल में होने वाला है, इसलिए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन से मैं यही निवेदन करते हुए कि हमारे सरगुजा संभाग के मान और सम्मान आप मन के हाथ में है। जैसे विधानसभा में कांग्रेस के सुप्रा साहब करे हन, उसने ये सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में भी आने वाला 7 मई के कमल छाप में बहुमूल्य वोट देके प्रचंड मत से भारतीय जनता पार्टी ला जिताना है। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाए में आपके सरगुजा संसदीय क्षेत्र से भी एक सांसद के सहयोग हो, ऐसा आप उनसे आग्रह निवेदन विनय प्रार्थना करते हुए आप अपने भारी चिलचिलाती धूप में भी भारी संख्या में आए हो, धन्यवाद देते हुए मैं अपने अपन बात ला समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात में कांग्रेस छोड़ के जो समाज के वरिष्ठ नागरिक ज्वाइन कर रहे हैं उनका नाम लेता हूँ, कृपया मंच के सामने रैंप पर आ जाएंगे श्री जमाल फिरदौस। जब मैं बार बार अंबिकापुर सरगुजा आता था लोग पूछते थे कि आपके पास एक भी विधायक नहीं है, कैसे करेंगे। और तब